हाँ जी तो आज हम आरसी दत्त और जहाँ रमेश चंद्र दत्त के बारे में पढ़ेंगे आप ही की जैसे ब्रिटिश टाइम पे थर्ड रैंक लिया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में थर्ड रैंक इन आईसीएस ऑफिसर रहे हैं बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल के ऊपर जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट था वन पर्सन वाज दादा भाई नारोजी जिनका रोल हम पढ़ते हैं दूसरे आरसी दत्त आते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर अपना दो वॉल्यूम की बुक लिखी थी सो आज हम आरसी दत्त का एक बायोग्राफिकल स्केच जो है इसको आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री में इनका क्या मेजर रोल क्या रहा है ही वॉज एन आई ऑफिसर ही वॉज ए ग्रेट राइटर आल्सो बहुत सारा लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया इंग्लिश के अंदर भी और बंगाली लिटरेचर के अंदर भी अगर सब्जेक्ट देखा जाए इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और रिलीजियस वर्क के ऊपर जो था इनके द्वारा बहुत सारे वर्क लिखे गए नॉवल भी लिखे सोशल इशू के ऊपर भी इनके बहुत बेहतरीन वर्क लिखे गए और इसके साथ साथ एज ए नेशनलिस्टिक लीडर ये कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं और थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ भी इनका रिलेशनशिप जो है वो हमें देखने को मिलता है बट ओवरऑल ही वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ही एक्चुअली फेवर द ब्रिटिश रूल उनको ये नेगेटिव नहीं थी उसके अगेंस्ट में ठीक है सो so आज इन्हीं के बारे में इन्हीं चार फैक्ट के बेस के ऊपर इनका बायोग्राफिकल स्केच जो है वो आज हम इनको देखेंगे आरसी दत्त की अगर बात की जाए तो रमेश चंद्र जी का बर्थ जो था ये 1848 में हुआ था कैलकाटा में इनके फादर का नाम था ईशान चंद्र दत्त जो उस समय के एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकी अर्ली एजुकेशन कैलकाटा में और जहां जहां पे इनके फादर पोस्टिंग पे रहे तो वहां वहां पे इनका एजुकेशन सिस्टम जो था वो साथ में चला है और 1861 में एक ट्रेजिक इंसिडेंट इनकी लाइफ में होता है जब इनके फादर एक ड्राउनिंग इंसिडेंट में उनकी डेथ हो जाती है और इनके फादर की डेथ से पहले तकरीबन दो साल पहले इनकी मदर की डेथ भी हो जाती थी सो ही बिकम ऑर्फन चार भाई थे ये दो बहनें थी तो टोटल सिक्स भाई बहन थे ये जिनकी पूरी परवरिश और टेक केयर जो थी वो एक, एक अंकल थे सुशी चंद्र जिनके द्वारा की गई थी इनके हेयर स्कूल में जब इनको वहां पे लगाया गया तो वहां से इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया 1864 और स्कूलिंग करने के बाद ये पहुंचे कैलकाटा के फेमस प्रेजिडेंसी कॉलेज और वहां पे इन्होंने आर्ट्स के एग्जामिनेशन को जो था पास किया और साथ में स्कॉलरशिप भी ली अब ग्रेजुएशन के बाद पहला मजा सिविल सर्विस सो ही बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ सिविल सर्विस और ये 1868 में लंदन के लिए निकल पड़े टू कम्पीट फॉर दी आईसीएस एग्जाम उस समय एग्जाम लंदन में होता था और इसको कम्पीट कर पाना इतना आसान नहीं होता था उस समय इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम लेकिन इन्होंने इस एग्जाम को ना सिर्फ पास किया बल्कि ही गॉट थर्ड रैंक इन ऑर्डर ऑफ मैरिट तो तीसरा रैंक इन्होंने हासिल किया था और यहीं पे रह के इन्होंने थोड़ा बहुत लीगल स्टडी जो थी वो भी यहाँ पे की और इसको करने के बाद इन्होंने 1871 में ये लंदन से वापस आते हैं और बतौर आई ऑफिसर अपना कैरियर जो है ये इंडिया में शुरुआत करते हैं अगर इनके कैरियर को देखा जाए एज ए सिविल सर्वेंट तो 1871 से 1897 के बीच में ही सर्व एज ए आईसीएस ऑफिसर in prominently different district of the bengal and odisha ye alipur mein assistant magistrate rahe burdwan ke ye divisional commissioner bane aur odisha ke andar 1895 mein officiating commissioner bhi inko appoint kiya gaya और जैसा कि उस समय था British Empire के अंदर एक discrimination तो होता ही था against द इंडियन एंड द ब्रिटिश ऑफिसर वो इनके साथ भी चल रहा था आरसी दत्त को महसूस हो गया कि अब आगे जाके कोई प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है एंड ही कैन नॉट बी ऑन द पोस्ट ऑफ परमानेंट कमिश्नर तो इसलिए इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट जो था अपना 1897 में यहाँ पे ले लिया लेकिन एज ए अगर सिविल सर्वेंट की बात की जाए हिज वर्क वॉज हाईली प्रेस्ड नॉट ओनली बाय द इंडियन बाय बट द ब्रिटिश एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑल्सो तो वो एक इनका बड़ा शॉप थी जो इन्होंने यहाँ पे छोड़ी है और सबसे बड़ी चीज इनका आईसीएस ऑफिसर बनना और इतने लंबे समय तक सर्व करना इसने एक चीज को बहुत ही प्रूव किया जो ब्रिटिशर थे दे ऑलवेज कंसिडर इंडियन इन इनफीरियर रैंक के दे आर डोंट हैव ए कैपेसिटी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू गवर्न इन इंडिया उस चीज को उस इस जो ये थिंकिंग थी उसको इन्होंने उस बैरियर को तोड़ा और इन्होंने प्रूफ किया कि इंडियन भी उतने ही कैपेबल और एफिशिएंट ऑफिसर हैं जितने की ब्रिटिश अपने आप को मानते हैं तो ये अपने आप में एक स्टेटस हाई करने का एक हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो आर सी दत्त ने एज ए सिविल सर्वेंट बन जो था इंडियन के लिए किया अब यहीं से ही इनकी जो शुरुआत है वो थोड़ी राइटर की फॉर्म में भी होती है वैसे तो इन्होंने ही रिटायरमेंट से पहले ही बहुत सारी बुक्स लिखनी शुरू कर दी थी फॉर एग्जाम्पल एटीन में इनके द्वारा एक वर्क लिखा गया था बंगाली पीजेंट्री इस वर्क के अंदर इन्होंने उस समय बंगाल के किसान उनकी प्रॉब्लम्स और किस तरह से उन्हें जमींदार और लैंडलॉर्ड जो हैं गवर्नमेंट के साथ उनको एक्सप्लाइट किया जाता है तो उस मुद्दे को यहाँ पे लिखा हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री ब्रिटिश के द्वारा लिखी गई मोस्टली और जो ब्रिटिश ने हिस्ट्री लिखी उसको हमेशा ये दिखाया गया कि इंडिया वॉज ऑलवेज ए ओन्ड कंट्री कि इसको किसी ना किसी रूलर ने बाहर से आके रूल किया है सो वी आर नॉट स्ट्रेंजर टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेकिन आरसी दत्त ने एक वर्क लिखा हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया तो इन्होंने जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री थी उसको एक बहुत ही हैंडी फॉर्म में जैसे हम एक नोट्स फॉर्म में हम कह सकते हैं एक हैंडी फॉर्म के अंदर इन्होंने लिखा और उस समय जो हमारे यंगस्टर थे जो स्टूडेंट थे या बाकी के यंगस्टर थे उनको दिया तो तब जाके इनको पता चला कि वट वाज सिग्निफिकेंस ऑफ आर एंशियंट हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर विच वॉज डिफरेंट एज द ब्रिटिश वार डिपिक्टिंग इट उससे बिल्कुल अलग तरह से हिस्ट्री को उन्होंने बताया फिर इनके द्वारा एक वर्क लिखा लेज ऑफ एंशियंट इंडिया इंग्लिश का वर्क था जिसके अंदर इन्होंने कुछ उपनिषद से कुछ पैसेज लिए और एक शॉर्ट एपिक था भैरवी इनको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जिससे कि थोड़ा बहुत जो हमारा उस समय इंडियन लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी एक वाइड पब्लिसिटी में आरसी दत्त का एक मेजर रोल आता है अपनी रिटायरमेंट होने के बाद इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री अपॉइंट किया गया तो वहां पे ये 1904 तक ये लंदन में वहां पे रहे और तकरीबन ये जो सात साल का टी टाइम पीरियड था ये जो इन्होंने लंदन में वहां पे रहे ये सबसे एक प्रोडक्टिव पीरियड था जो एज ए राइटर इनका बाहर निकल के आया ये प्रोडक्टिव में हम ये देखेंगे कि इन्होंने महाभारत और रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वेन द रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड द इंग्लिश पीपल रीड इट देन दे केम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर एंड द दिस एपिक एंड रिलेटेड दिसड इससे पहले अब नेचुरली है लैंग्वेज है हम लोग ने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो अगर हमें संस्कृत कोई पढ़ लें बोलेगा तो वी कैन वी कैन रीड इट लेकिन अगर वही चीज हमें इंग्लिश में मिल जाती है तो ना हम ना सिर्फ उस एंजॉय करेंगे क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज को बल्कि उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इंपॉर्टेंट को भी समझेंगे ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था दत्त का रामायण और महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला और देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट होते हैं जो प्री में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जब हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पढ़ते हैं तो आरसी दत्त का ज्यादातर रोल हम यही पढ़ते हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर ये वर्क लिखा था है। दैट इज ऑनली पॉइंट ऑफ थिंग्स ठीक है और जैसा मैंने आपको बताया है कि जब सिविल सर्विस का प्रलिम्स का या कोई पेपर तैयार किया जाता है तो वो मुझे भी पता है कि आपको क्या चीजें होंगी जो आपने पढ़ी होंगी सो दैट इज वाई वो फैक्ट और चीजें लाई जाती है जो हम इग्नोर कर देते हैं जैसे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आरसी दत्त के बारे में एक अडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है फिर देखिए इन्होंने एक और बुक लिखी इंग्लैंड एंड इंडिया जिसके अंदर इन्होंने उस समय का सौ साल का एक रिकॉर्ड लिखा कि पिछले सौ साल के अंदर इंडिया ने ब्रिटिश रूल के नीचे कितना प्रोग्रेस किया है एंड इट वाज़ ए ग्रेट एक बहुत बड़ा रिसर्च करके ये इनके द्वारा वर्क लिखा गया देन रेही रोट द अनदर वर्क दैट वाज़ द फेमाइंस इन इंडिया और इन्होंने फेमाइंस के ऊपर जो काम वर्क लिखा उसको भी डिटेल में लिखा कि इंडिया में जितने फेमाइन पड़ते हैं उसके कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं किस तरह से हम उनको दूर कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग ये लॉर्ड कर्जन को भी लेटर लिखते रहे कि आप फेमाइन रिलेटेड मुद्दों को जो है हाईलाइट किया और इनके ऊपर जो है जो गवर्नमेंट जो है वो काम कर सके और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जिनको हम आरसी दत्त को जो है वो अक्सर हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं जहां हम उनके बारे में लेते हैं ही इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर जिसने उस समय इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर इन्होंने अपने वर्क लिखे थे दो वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश किए थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर एक उन्नीस में आया और एक उन्नीस में आया इसके अंदर इन्होंने लिखा क्या इसके अंदर एक तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को डिटेल में जाके डिफाइन किया कि हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री रही है ब्रिटिश टाइम से या उससे पहले तो उसको डिटेल में इन्होंने यहाँ पे रखा जैसा मैंने आपको बताया कि फेमाइन के क्या काजेस थे इसके अलावा इन्होंने क्या क्या चीजों को यहाँ पे टच किया फेमाइन वॉज ए वेरी कॉमन फेनोमिन दैट टाइम वो जब भी पढ़ता था चलो जो फूड का लॉस है वो होता ही लेकिन साथ में हजारों लाखों लोग जो थे वो इसके अंदर मारे भी जाते थे तो एक तो इन्होंने फेमाइन के ऊपर भी बताया कि भाई इंडिया में क्या रीजन क्या है और उसकी रेमेडीज़ यहां पे क्या है किस एरिया में इंडस्ट्री हुआ करती थी कैसे उसका डिक्लाइन हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और क्या पॉलिसी जो थी वो जान बूझ के ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की, की गई ताकि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाए और जैसा हम हिस्ट्री की क्लास में इसका डिस्कस भी करते हैं कि जो इंडियन जो इंडस्ट्री थी इंडिया वाज़ ए लैंड 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 ऑफ ऑफ थे मार्केटिंग बनाने वाला जो रोल था, वो ब्रिटिश ने रोल प्ले किया डिस्कस अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो ऑलरेडी uh, दादा भाई नरोजी ऑलरेडी वेल्थ वेल थ्योरी केन मीडियम से एक्सप्लेन कर चुके थे इन्होंने दोबारा इसको एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस कि कैसे छोटे-छोटे अननेसेसरी टैक्सेस लगा के ये इंडिया से पैसा लूटा जाता है और ये पैसा बाहर भेजा जाता है कि फॉर एग्जांपल साल्ट टैक्स जो साल्ट टैक्स लगाया जाता था जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सिविल मूवमेंट डांडी मार्च भी निकाला था तो ऐसे बहुत सारे टैक्स है जो यहाँ पे लगाए जाते हैं और जिनका पैसा लंदन में जाता है जिसका कोई पैसा यूज में नहीं जाता तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आरसी दत्त का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था उस समय एज ए आ, राइटर भी और एज ए नेशनलिस्टिक लीडर भी जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया एंड दैट वॉज द वर्क जो इनके द्वारा उस समय लिखा लिखा गया था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश अर्ली ब्रिटिश रूल अब इसके बाद पॉलिटिकल की की तो मुद्दे नहीं उठाए हैं और इसका एक रीजन ये भी था कि आरसी दत्त जो थे ही वाज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश रूल और इनका यह मानना था कि इंडिया के फ्यूचर के लिए ब्रिटिश रूल जो है ये होना चाहिए और ये कोई एक्सेप्शन नहीं थी अगर एटीन का पार्ट देखा जाए आज हम मॉडरेट को डिस्कस भी कर रहे थे तो मॉडरेट फॉर ऑलरेडी इन फेवर ऑफ इट मॉडरेट ने कभी भी ब्रिटिश रूल को रिजेक्ट नहीं किया चाहे वो उमेश चंद्र बैनर्जी से फिरोज शाह मेहता थे या कोई भी हम गोखले थे सो so, इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पे ही वॉज इन लाइन ऑफ द मॉडरेट आइडियोलॉजी एट टाइम इन द कांग्रेस जिसकी वजह से 1899 का जो कांग्रेस uh, का सेशन था लखनऊ में इन्होंने उस सेशन को प्रिजाइड किया था और उस सेशन में इन्होंने ज्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अपना जो था वो अपना बेस रखा है इन्होंने कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठाए जहां पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ जो लोगों की थी अबाउट इंडिपेंडेंस या सेल्फ रूल या कुछ इसको लेके इन्होंने यहाँ पे कोई टच नहीं किया एक इनका और बड़ा मेजर स्पेक्ट आता है दैट इज द बंगाली लिटरेचर बंगाली लिटरेचर में भी आरसी दत्त ने बहुत बेहतरीन वर्कआउट यहाँ पे लिखे हैं और जिसमें हम देखते हैं इनका एक मेजर वर्क लिखा गया था लिटरेचर ऑफ बंगाल इस बुक के अंदर ट्वेल्थ सेंचुरी से लेके सेंचुरी तक का जो बंगाली लिटरेचर था उसको बहुत ही साइंटिफिक वे के साथ लिखा गया और उसको के तक जो था वो पहुंचाया गया ताकि वो इन पिछले जो 700 800 साल की जो हिस्ट्री है बंगाली लिटरेचर की उसको वहां पे पढ़ा जा सके इसके साथ इनके द्वारा चार हिस्टोरिकल और दो सोशल नोवेल भी यहाँ पे लिखे गए हिस्टोरिकल के अंदर इनके लिटरेचर जो लिखा गया बंगा विजेता और मधबी कनकन जिसका मतलब होता है ब्रेसलेट ऑफ फ्लावर जिसके अंदर इन्होंने दिखाया उस समय हिस्टोरिकली कि किस तरह से बंगाल को अकबर के द्वारा वोन किया गया देन महाराष्ट्र जीवन प्रभात और राजपूत जीवन संध्या ये भी इनके कुछ दो अनदर हिस्टोरिकल नॉवल थे जो आरसी दत्त ने इन, अपने टाइम पे लिखे समाज ये एक सोशल नॉवल था जिसका मेन मुद्दा था विडो री मैरिज और दूसरा था संसार इसका पर्पस जो था, इंटर कास्ट जो थी, उनके के ऊपर ही का ट्रांसलेशन भी किया दैट कंट्रीब्यूशन कि ऋग्वेद को बंगाली लिटरेचर में इन्होंने जो था ट्रांसलेट किया तो ये बंगाली लिटरेचर में इनका एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हमें साथ में देखने को मिलता है उन्नीस में जब ये वापस आते हैं इंडिया आते हैं तो ही ज्वाइन एज रेवेन्यू मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा में ये ज्वाइन करते हैं जहां पे ये रेवेन्यू के फील्ड में काफी बड़े रिफॉर्म जो है वहां पे लेके आते हैं और इनके इसी वर्क के लिए इंडिया मैगजीन के अंदर सर विलियम वेडरबर्न जो थे उन्होंने इनके रेवेन्यू रिलेटेड जो रिफॉर्म थे इनको बड़ौदा के अंदर उसके लिए काफी प्रेज भी किया गया 1907 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था दैट वाज द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इस कमीशन का मेन पर्पस था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो हैं उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना सकते हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करके इंडियन को उसका मेंबर बनाए इस कमीशन के अंदर सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर थे और वो थे आरसी दत्त जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के लिए अपने बहुत सारे अपने सुझाव और क्रिटिसिज्म जो थे इस कमीशन के अंदर दिए अगेन यू कैन सी दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हु वाज़ द ओनली इंडियन टू बी अपॉइंटेड ऑन द रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नाइनटीन के अंदर तो आर दत्त उसके मेंबर रहे थे लास्ट में अगर हम इनकी लाइफ देखते हैं तो 1908 से 1909 के बीच में एक साल ये लंदन में वहां पे रहे और वहां पर भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर जॉन मार्लो उनको अक्सर जो जो थे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए लिखते रहते थे और उनसे इस मुद्दे के ऊपर बात इनकी होती रहती थी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए वर्कआउट करते रहे हैं तो एज ए नेशनलिस्टिक पॉइंट के ऊपर देखता है तो ही वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट ही वॉज पर्टिकुलरली क्रिटिकल द वे ब्रिटिश वर गवर्निंग इन इंडिया और इसके चलते 1909 में दत्त वापस आते हैं बड़ौदा आते हैं लेकिन तब इनकी जो हेल्थ है वो डेटोरेट करना शुरू कर देती है बीमार रहना शुरू कर देते हैं और बीमारी की वजह से ही 1909 में बड़ोदा में आरसी दत्त की डेथ दत हो जाती है सो दिस वाज द ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द आरसी दत्त एंड हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट दैट वॉज स्टार्टेड बाय ठीक है जी सो so, अब पता चल गया आरसी दत्त और रमेश चंद्र दत्त ठीक है चलिए ओके okay जी ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स